सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का साधन पाद पढ़ रहे हैं, द्वितीय पाद, और प्रसंग चल रहा है दृश्य का। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है, जो आत्मतत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति तीनों अति सूक्ष्म तत्व हैं, जिसको सहजता से जाना नहीं जा सकता। और उस ऐसे सूक्ष्म तत्व को हमारे ऋषियों ने जान करके हमारे सामने रख दिया, ये कितनी बड़ी बात है। हम तो केवल इसको इसलिए पढ़ ले रहे हैं कि ये हमारे सिलेबस में लगा है जी, चलो हम दृश्य को पढ़ लेते हैं, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, बस। लेकिन आप सोचो कि उन्होंने कैसे खोजा होगा, कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा, कितना अपने चित्त को एकाग्र किया होगा इसके लिए, कितना बाहर के विषयों से उन्होंने हटाया होगा अपने आप को, और तब वो एकदम ऐसे धीरे से अंदर गहरे में उतर गए होंगे, और वहाँ जो उन्होंने देखा बिल्कुल यथार्थ सत्य, वो उन्होंने हमारे सामने रखा। तो ये बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में जी, ये त्रिगुण क्या है, ये तीन गुण क्या है, ये मूल प्रकृति क्या है, ये दृश्य क्या है, क्योंकि हमने तो ये शब्द कई बार सुन लिए तो हमारे को सहज लगते हैं ये, लेकिन ये वास्तव में ही बहुत कठिनाई से समझने योग्य हैं। और इनका शील बता दिया अलग अलग, यद्यपि इन तीनों को विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों का नाम ही मूल प्रकृति है, और एक साथ रहते हुए जो कभी अलग नहीं होते हैं और फिर भी बिल्कुल अलग हैं, तो कितनी एक विचित्र बात है ना। मतलब तीनों का बिल्कुल अलग शील है। सत्व जो है वो प्रकाश के शील वाला है, और रजोगुण क्रिया के शील वाला है, और तमोगुण स्थिति के शील वाला है। जैसे दीपक में हम देखते हैं दीपक अलग स्वभाव वाला, तेल अलग स्वभाव वाला, बत्ती अलग स्वभाव वाली। तेल अत्यंत ज्वलनशील, बत्ती भी तुरंत ज्वलनशील, दीपक न जलने वाला, मतलब तुरंत ज्वलनशील नहीं है ना, अलग अलग स्वभाव के। दीपक कितना कठोर, तेल कितना सॉफ्ट मुलायम, बत्ती भी सॉफ्ट, और तीनों कैसे रहते हैं, ऐसे मिलजुल के रहते हैं कि दूसरों को प्रकाश देते हैं तीनों मिलते हैं तो। अब अग्नि जो है वो तेल को तुरंत जला दे, बत्ती को तुरंत जला दे, क्योंकि ज्वलनशील है ना दोनों ही, पर ऐसे ढंग से रहते हैं वो कि खुद जलते हैं तो भी तरीके से जलते हैं, मतलब खुद जल करके भी दूसरे को प्रकाश देते हैं। तो ऐसे हमारे आसपास कभी कभी बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले लोग रहते हैं, और उनके साथ भी हम यदि ऐसे ढंग से रहें कि हम हमारे माध्यम से दूसरे को कोई प्रकाश मिले, तो ये कितनी समझदारी की बात है। प्रकृति के तीनों गुण कैसे हैं, बिल्कुल विपरीत। एक सत्व जो है वो प्रकाश के सील वाला है, उसको बिल्कुल भी अंधकार या ठहराव ये बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं, और दूसरा अत्यंत गतिशील, तीसरा बिल्कुल ही स्थितिशील वाला। और तीनों मिलके ऐसे रहते हैं कि इस संसार के सब प्राणियों को भोग और अपवर्ग उपलब्ध करवा देते हैं, भोग भी यही उपलब्ध करवाते हैं,
अपवर्ग भी यही उपलब्ध करवा दें तो कितनी बड़ी बात है ये। तो हम ऐसे रहें जहाँ भी रहें कि हमारे माध्यम से किसी को कोई लाभ होना चाहिए, और हमारे आसपास जो हमारे से विपरीत स्वभाव के लोग रहते हैं उनका भी हम सदुपयोग कर सकें, उनके साथ भी मिलजुल करके रह सकें, ये तो हम इस प्रकृति से सीख सकते हैं, मूल प्रकृति। और इसी प्रकृति से हमारे शरीर बने हैं, इसी प्रकृति से हमारे इंद्रियां, अंतःकरण ये सब बने हैं। तो दृश्य को जानना का मतलब ये थोड़ी है कि जी हमने तो इसके भाष्य को पढ़ लिया और हमने जान लिया दृश्य क्या है। दृश्य को जानने का मतलब यही है कि यही दृश्य, यही तीनों गुण हमारे शरीर में भी हैं, और जैसे हम अपने शरीर में इन तीनों गुणों के सदुपयोग से अपने इस शरीर के माध्यम से भोग को भी प्राप्त कर लेते हैं और अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसको समझना है कि वे शरीर का मतलब है त्रिगुण का संघात, और ये त्रिगुण के संघात में ये सामर्थ्य है कि ये हमें भोग तो दिला ही रहे हैं, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है हमें स्पष्ट ही, और ये हमें अपवर्ग भी दिला सकते हैं, बस केवल इनको हम सलीके से प्रयोग करना सीख जाएं। और इसी प्रकार से हमारे आसपास भी कुछ सत्व प्रकृति के लोग रहते हैं, कुछ रजोगुण प्रकृति के लोग हैं, कुछ तमोगुण प्रकृति के लोग हैं, और वो सब भी मिल करके हमारे को भोग अपवर्ग दिलाने में साधन बन सकते हैं। तो ये हम इसके स्वभाव को पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सूक्ष्म विषय है इसके बारे में जानना कि ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है। क्योंकि हम आत्माएं, हम जो जीव हैं वो इस दृश्य के साथ निरंतर रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, हर पल रह रहे हैं, और ये दृश्य ही है जो हमें दुखों से मुक्त करवा सकता है। तो इसको जानना, पहले तो बुद्धि के स्तर पे इसको बहुत गंभीरता से जानना, और जैसा जाना है वैसा फिर जीना, वैसा ही प्रयोग करना दृश्य के साथ कि ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, तो बस फिर तो मौज हो गई, इतना जान लिया तब तो जानो इसको। प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः, स्थितिशीलम तम इति एते गुणा परस्पर उपरक्त प्रविभागः संयोग विभाग धर्माण इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः। एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं और एक दूसरे की सहायता से ही अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, और परस्पर कैसे हैं, अंगांगित्वे माने बिल्कुल विपरीत होते हुए भी परस्पर कैसे रहते हैं, अंगांगी भाव में रहते हैं। हमारे शरीर में भी ये तीनों गुण अलग अलग होते हुए भी, मान लो हमारे अंदर कुछ रजोगुण की क्षमताएं हैं, तमोगुण की भी हैं और सत्व की भी हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल सत्व सत्व से जीवन चल जाए, ऐसा नहीं होता है, रजोगुण की भी बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये सोचें कि जी रजोगुण तो सदा सदा नीचे ही रहे, तो ऐसा नहीं है, सदा सदा नीचे रहे तो आप एक भी शुभ कर्म नहीं कर पाओगे। जितने भी शुभ कर्म हम करते हैं वो किससे होते हैं, रजोगुण से ही होते हैं। और यदि आप कहें कि तमोगुण तो बिल्कुल ही कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, तो तमोगुण यदि नहीं होगा तो चित्त में ठहराव ही नहीं होगा। रजोगुण की स्थिति में तो निरंतर चलायमान ही रहेगा। जो चित्त में ठहराव है, स्थिति है, ध्यान उपासना आदि की जो स्थिति बनती है वो तमोगुण से तो बनती है, तमोगुण और सत्वगुण के संयोग से ही बनती है। ऊपर तो सत्व रहता है लेकिन उस सत्व को स्टेबल करने वाला, लंबे समय तक बनाए रखने वाला उसका सहयोगी कौन है, अंग कौन है, तमोगुण और रजोगुण है। तमोगुण की प्रधानता है, और वहां पर जब हम स्थिति में होते हैं तो नीचे से, मतलब इन दोनों में भी तो एक तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, सेकंड पे फिर तमोगुण रहेगा, रजोगुण फिर थर्ड रहेगा। और कर्म करते हैं तो सत्व ऊपर रहना चाहिए, सेकंड नंबर पे रजोगुण होना चाहिए, नीचे तमोगुण होना चाहिए। तो बहुत सहायक हैं ये,
बिल्कुल ऐसे ही संसार में भी जो सत्व प्रधान लोग हैं वो भी हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण हैं, और रजोगुण और तमोगुण वाले भी महत्वपूर्ण हैं, उनका भी अपना महत्व है, वो भी हमें स्टेबल करते हैं, वो भी हमें थामते हैं। तो ये अंगांगी भाव से रहते हैं। नहीं बोला स्थितिशीलम तम इति, स्थिति जिसका शील है, स्थिति का मतलब है ठहराव, तो जो एक स्टेबिलिटी है वो तो इसी का ही तो गुण है, तमोगुण का, तो बहुत जरूरी है ये। आप एक घंटे तक यहाँ कक्षा में एक ही आसन में बैठे हैं, ये तमोगुण के कारण तो है, ये ठहराव, और नहीं तो आप प्रतिपल अस्थिर ही रहें फिर तो। तो देखो कितनी बड़ी बात है, कोई 3 घंटे का आसन सिद्ध करता है, कोई 8 घंटे का करता है, तो ये तमोगुण के कारण ही होता है। तमोगुण का मतलब केवल नींद नहीं है। स्थितिशीलम तम इति, तो ये हो गया है ना, परस्पर अंगांगित्वे अपि संभिन्न शक्ति प्रविभागः, अलग अलग भी हैं ये, अपनी अपनी अलग अलग क्षमता बनाए रखने वाले हैं। तुल्यातुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिन, और तुल्य अतुल्य जाति वाले जो पदार्थ हैं उनमें भेदानुपातिन, विभक्त भाव से ये अनुपातिन। तुल्य जाति वालों में तो उपादान कारण की तरह से हो जाते हैं, और अतुल्य वालों में सहकारी कारण की तरह से ये जुड़ जाते हैं। प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वे पीछे व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्णीता, प्रधान अंतर्णीता अनुमिता अस्तिता। इनमें जो एक उदार अवस्था में होता है, प्रधान वेलायाम उदार अवस्थायाम उपदर्शित सन्निधाना, अपना स्वरूप प्रकट करने वाले हैं। इनका अपना स्वरूप प्रकट कब होता है? प्रधान वेलायाम, प्रधान वेला में। और दूसरे जो हैं वो गुणत्वे पीछे, यद्यपि वो गुण रहते हैं, एक ने तो उदार अवस्था में अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया, बाकी दो गुण हैं, गुण हैं, तो गुणत्वे पीछे यद्यपि वो गुण हैं तो भी व्यापार मात्रेण प्रधान अंतरणीता अनुमिता अस्तिता। व्यापार मात्र से, वृत्ति मात्र से प्रधान अंतरणीता, प्रधान के अंतर्गत होते हैं वो, प्रधान अंतरणीता अनुमिता अस्तिता, अनुमित अस्तित्व वाले होते हैं। जैसे इस समय आप जो क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा प्रधान है इस समय आपका, कौन सा गुण प्रधान है? सत्व रज तम तीनों में से प्रधान कौन सा है? अभी पढ़ाई करते समय कौन सा प्रधान है? सत्व प्रधान है, चलो सत्व प्रधान है। लेकिन ये जो क्रिया हो रही है, जिस ज्ञान को आप ले रहे हैं, ये किसका काम है? ये रजस का है, क्योंकि बता दिया ना क्रियाशीलम रज, सुन भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं पुस्तक को, ये सब क्रियाएं हैं ना, देखना सुनना, तो ये क्या है? रजोगुण। तो ये क्या है? गुण होते हुए भी अंतर्भावित है, व्यापार से पता लग रहा है कि रजोगुण भी है। और जो आप स्थिर बैठे हुए हैं, ये किसका स्वभाव है? तमोगुण का है। तो कह रहे हैं यद्यपि प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, इस समय प्रधानता तो सत्व की है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश शील है उसका, ज्ञान उसका शील है, और आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये गुण होते हुए भी, रजोगुण और तमोगुण गुण होते हुए भी व्यापार मात्रेण, इनकी भी तो वृत्ति चल रही है ना, तो प्रधान अंतरणीता, इस प्रधान के ही अंतर्गत अंतर्भावित होकर के अनुमिता अस्तिता, हम अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं कि यहाँ रजोगुण और तमोगुण भी अस्तित्व में हैं। और ये किस लिए रहते हैं तीनों? पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्यः, पुरुषार्थ कर्तव्यतया, पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी कार्य को करने से, उसकी कर्तव्यता से प्रयुक्त सामर्थ्यः, ये अपने सामर्थ्य से युक्त होते हैं, ऐसा स्वभाव है इस दृश्य का। ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, हम इन त्रिगुण से जो पाठ पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं, ये सब किसके लिए है? पुरुषार्थ, भोग और अपवर्ग के लिए। हम
अपवर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, दुख से छुटना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सन्निधि मात्र उपकारिणो एस कांतमणि कल्पा, और ये ऐसे हैं त्रिगुण जो सन्निधि मात्र से उपकारी हो जाते हैं। जैसे दीपक की सन्निधि मात्र से वस्तुएं अभिव्यक्त हो जाती हैं, जैसे चुंबक की सन्निधि मात्र से लोहा खिंच जाता है, ऐसे इन त्रिगुण के सन्निधि मात्र से ही आत्मा उपकृत हो जाता है, इनसे इनके संपर्क में आ जाता है, सन्निधि मात्र से ही इससे युक्त हो जाता है, संयोग हो जाता है, चुंबक की तरह से खिंच जाता है। प्रत्ययम अंतरेण एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना प्रधान शब्दवाच्य भवन्ति, और कह रहे हैं प्रत्ययम अंतरेण, जब अभिव्यक्ति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं करवा रहे हैं ये, तो अभिव्यक्ति से अतिरिक्त दशा में जब इनमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, तीनों ही साम्यावस्था में होते हैं, तब एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, तब ये किसी एक ही वृत्ति का अनुसरण करने वाले होते हैं। इस समय तो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो कोई एक प्रधान होगा, पर जब आप ज्ञान कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, प्रत्ययम अंतरेण एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना, अभिव्यक्ति से अतिरिक्त जो दशा है इनकी, जिसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही किसी एक की, तो उसमें एक तमस्य वृत्ति अनुवर्तमाना, किसी एक ही व्यापार को अनुसरण करने वाले होते हैं, और तब इनको क्या कहा जाएगा, प्रधान शब्दवाच्य भवंती, तब ये अपने मूल प्रकृति के स्वरूप में रहते हैं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, तो उसी को प्रधान कहा है। प्रधान कहो, प्रकृति कहो, मूल प्रकृति कहो, तीनों में से कोई एक उदार होगा तब तो दो गुण होंगे, और वो दो गुण अपने दो जो गुण हैं वो गुण होते हुए भी व्यापार मात्र से हमारे अनुभव में आ जाएंगे, अनुमान प्रमाण से हम जान लेंगे। पर जब तीनों में से कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई भी एक प्रधान नहीं है, तो तीनों ही क्या हैं, साम्यावस्था में हैं, और तब वो एक ही अवस्था वाले प्रधान शब्द से या मूल प्रकृति शब्द से कहे जाते हैं। प्रधान क्यों, प्रलय अवस्था क्यों होगा, रात को भी नींद के समय भी एक ही हो जाते हैं, समाधि के समय भी एक ही होते हैं, सुषुप्ति में भी एक होते हैं, समाधि में भी एक होते हैं, और मोक्ष में भी एक ही होते हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता सूत्र पढ़ा ना, हाँ, तो केवल इसको प्रलय में ही ले जाके मत रोको, इन तीन अवस्थाओं में भी, मतलब जब कोई एक उदार अवस्था में नहीं है तो उसी को मूल प्रकृति कह दिया, तभी अपने मूल स्वभाव में होते हैं बस। प्रधान शब्दवाच्य भवंती एतत् दृश्यम, ये क्या है, दृश्य, एतत् दृश्यम इति उच्यते, इसको दृश्य कहा जाता है, ये दृश्य है। तो अब व्यक्ति को क्या करना है, अब इसका साक्षी होना है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो अब हम इसके साक्षी हैं कि भाई इस समय हमारे अंदर सत्वगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण तमोगुण उसके अंग रूप में है, ये अंगी रूप में है, ऐसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अच्छा या बुरा, उस समय हम साक्षी मात्र हो जाएं, उसको देखने लग जाएं कि इस समय कौन सा गुण अपना काम कर रहा है। जैसे मान लो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, और उस समय एक क्षण वो पीछे हो जाए कि ये कौन सी अवस्था चल रही है, ये तम की अवस्था चल रही है, मूढ़ अवस्था चल रही है, इसी को ही चित्त की मूढ़ अवस्था कहा है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, तुरंत वो फिर चेंज हो जाता है, फिर इसका दृष्टा बनते, मतलब ये सताते तब ही हैं जब हम इसके साथ बिल्कुल एकाकार होते हैं। संयोग को ही तो दुख का हेतु बताया ना, संयोग हटते ही दुख हटेगा, हम उसके साथ जो संयोग किए हुए हैं, अपना ही अस्तित्व माने हुए हैं उसको, ये दुख का कारण है। तद एतद् दृश्यम, तो ये दृश्य इसका स्वरूप क्या है, इसको जाने कैसे, कैसे पहचान में आएगा, तो वो बता रहे हैं, तद एतद् दृश्यम
भूतेन्द्रियात्मिकम्, भूतेन्द्रियात्मकम् भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। तो ये जो दृश्य है ये इसका स्वरूप क्या है? भूतात्मक इंद्रियात्मक। बाहर के संसार में तो ये कैसे देखे जाएंगे त्रिगुण या दृश्य कैसे देखा जाएगा? भूतों के रूप में, पांच भूतों के रूप में, पृथ्वी के रूप में दिखेगा, अग्नि के रूप में दिखेगा, जल के रूप में दिखेगा, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, और शरीर में पिंड में कैसे दिखेगा? इंद्रियों के रूप में। ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां ये क्या हैं? त्रिगुण का ही विस्तार है ना ये। तो ये दृश्य है, इसी को दृश्य कहा। और इस दृश्य को, दृश्य किसकी अपेक्षा से होता है? दृष्टा की अपेक्षा से। तो आत्मा इसका दृष्टा है। दृष्टा किसकी अपेक्षा से है? दृश्य की अपेक्षा से। तद एतद् दृश्यम भूत इंद्रियात्मकम भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। अगर व्यक्ति इस दृश्य को देखने लगे ना, इसी वाले दृश्य को, तो उसको बाहर के दृश्यों को देखने के लिए, इधर उधर घूमने जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यही दृश्य इतना इंटरेस्टिंग है, अंदर से बाहर से इसी को देखो। तो इसलिए योगी कहीं जाते ही नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड वाले में ही इतने ज्यादा अनंतता है कि उसको अवकाश ही नहीं मिलेगा बाहर देखने के लिए। एक वो अपने स्वामी जी थे, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, कर्नाटक में। तो एक बार गुरु जी ने जाके उनसे पूछा, बोले आप कहीं बाहर नहीं जाते हो? क्योंकि गुरु जी की प्रकृति घूमने की। तो उनको लगे कि मतलब ये कहीं जाते नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सब जगह हूँ, मैं क्यों जाऊँ? गुरु जी इतने जोर से हंसने लगे, हमें भी बड़ा विचित्र लगा। बोल मैं तो सब जगह हूँ, मैं क्यों जाऊँ कहीं? तो वो 12 साल मौन रहे थे और आत्मवेत्ता व्यक्ति थे। तो ये कह रहे हैं, तद एतद् दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम भूतभावेन पृथिव्यादीनाम सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। तो इसके भी दोनों है ना, फिर पृथ्वी आदि जो भूत हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं और स्थूल रूप में स्थूल भूत, तथा इंद्रिय भावेन श्रोत्रादिना, और वैसे ही शरीर में इंद्रिय आदि के भाव से जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, इसमें भी सूक्ष्म स्थूलेन परिणमत इति। सूक्ष्म इंद्रियां जो गोलक के अंदर हैं और जो गोलक हैं वो स्थूल रूप में। तो ये दृश्य है, ये त्रिगुण का विस्तार है। तत्तु न अप्रयोजनम, और ये सारा दृश्य अप्रयोजन नहीं है। जैसे वैज्ञानिक क्या मानते हैं, ऐसे ही हो गया, ये किसी ने तो बनाया नहीं, क्यों हो गया? बोल बस ऐसे ही हो गया। तो ऐसे नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है कुछ भी। तो ये कह रहे हैं तत्तु न अप्रयोजनम, ये बिना किसी प्रयोजन के नहीं है, अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तत इति। बल्कि प्रयोजन को उररीकृत्य, स्वीकृत्य, किसी प्रयोजन को सामने रख करके, और तब ये प्रवृत्त हुआ हुआ है। तो क्या है वो प्रयोजन? भोग अपवर्गार्थम ही तद्दृश्यम पुरुषस्य इति। प्रयोजन ये है कि ये इस पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हुआ है। हमें तो पता ही नहीं हमारे चारों तरफ ये पांचों भूत, इनकी सृष्टि क्यों हुई, हमें नहीं पता। हम हो गई होगी, हमारा क्या लेना देना उससे, भगवान ने बना दी होगी, हमें क्या पता। बोले अच्छा फिर ये शरीर आपको क्यों मिला? बोले हमें तो नहीं पता, मिल गया होगा ऐसे ही, ठीक है खाओ पियो सो, क्लास के समय कक्षा में मत आओ। तो पूछे ये शरीर मिला किस लिए है, पता ही नहीं है हमें। तो ये बता रहे हैं हमें, इन्होंने खोजा कि ये बनाया क्यों भगवान ने, क्यों मिला ये। तो फिर इन्होंने, ऋषियों ने खोजा, बोले ये किस लिए मिला है? भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए। तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोगः। तो भोग और अपवर्ग के लिए मिला, तो भोग क्या है? भोग को बता रहे हैं, इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप धारणम, स्वरूपावधारणम अविभागापन्न भोगः। या तो
हम इष्ट को या तो अनिष्ट को, माने सुखात्मक है या तो दुखात्मक है, ये इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम। भोग क्या है, चाहते तो सुख ही हैं, सुख के साथ साथ लेकिन कुछ हमें दुख भी मिलते हैं, पर वो कब मिलते हैं, अविभागापन्नम, जब हम इसके साथ अभेद रूप से इस दृश्य के साथ जुड़ जाते हैं, अविभागापन्नम भोगः, तब तो भोग उपलब्ध होता है, तब तो ये भोग दिलाते हैं। जब इस दृश्य के साथ हम अभेद रूप से मिल जाते हैं, माने कोई भेद नहीं रहता है, तब तो भोग उपलब्ध होता है। और भोक्तुः, ये जो भोग करने वाला है, ये स्वरूप स्वरूपावधारणम अपवर्ग है। और जब ये अपने स्वरूप का अवधारण कर लेता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ये नहीं हूँ ये शरीर आदि, क्योंकि शरीर आदि तो मरते समय भी यहीं रहता है और मैं चला जाता हूँ कहीं, तो इसका मतलब मैं अलग हूँ। और शरीर आदि में कितने परिवर्तन हमने देखे हैं, जितने भी वर्ष के हम हो गए तो उतने परिवर्तन देखे ना हमने इसमें, पर मैं में कोई परिवर्तन नहीं देखा। जो मैं 5 साल का था वही मैं हूँ, जो 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मैं तो एक ही है ना, मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस दृश्य में तो कई परिवर्तन हुए, पहले छोटा था, फिर किशोर हुआ, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, तो इसका मतलब मैं अलग हूँ ही हूँ इससे। भले ही इसके स्वरूप को नहीं जानते हैं, पर अनुमान प्रमाण से तो ये बात आती है ना समझ में। तो ये कह रहे हैं ऐसे स्वरूप अवधारणम अपवर्ग, अपने स्वरूप का अवधारण करना कि मैं इससे तो अलग हूँ, और फिर इससे अलग क्या हूँ ये भी यदि जान लिया, अपने स्वरूप का अवधारण हो गया कि मैं ये हूँ, इसी का नाम अपवर्ग है। इति द्वयो अतिरिक्तम अन्यत दर्शनम नास्ति, तो भोग और अपवर्ग, इस दो से अन्यत और कोई तीसरा दर्शन नहीं है। या तो ये आत्मा भोग की स्थिति में रहता है, दृश्य के साथ बिल्कुल अभेद स्वरूप वाला होके रहता है, या तो अपने स्वरूप का उदाहरण करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो ये दो ही हैं रास्ते इस आत्मा के लिए, भोग और अपवर्ग। द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति, दो से अतिरिक्त तो और कोई तीसरा कोई दर्शन नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तथा च उक्तम, इसके लिए कहा है, अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरी च पुरुषे तुल्यातुल्य जातीय चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अननुपश्यन् न दर्शनम् अन्यच्छङ्कते इति। कह रहे हैं ये जो पुरुष है, अयम तु खलु, ये जो सामान्य व्यक्ति है, त्रिषु गुणेषु, इन 3 गुणों में ही, कर्तृषु अकर्तृषु च, ये त्रिगुण कैसे हैं, कर्ता या अकर्ता, कर्तृषु अकर्तृषु च पुरुषे, इस अकर्ता पुरुष में पुरुष कैसा है, यहाँ पर बीच में अल्प विराम लेना पड़ेगा। त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरी च पुरुषे, ऐसे ये जो सामान्य मनुष्य है, ये त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये जो 3 गुण हैं जो कि कर्ता हैं, इन 3 गुणों में ही अकर्तरी च पुरुषे, और जो अकर्ता पुरुष है उसमें तुल्यातुल्य जातीय चतुर्थे, तुल्य और अतुल्य जाति वाला चौथा, चौथा क्या है, 3 तो गुण हो गए सत्व रजतम, और चौथा कौन है, 3 तो सजातीय हैं, 3 गुण तो, और चौथा जो है वो अजाति वाला, विजाति पुरुष है वो चौथा। तो तुल्यातुल्य जातीय चतुर्थे, वो चौथा जो है उसमें वो कैसा है, तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान, वो इन क्रियाओं का साक्षी है, उपनीयमानान, और वो साक्षी है वो उपनीयमानान माने प्रतिबिंबित होते हुए, इन 3 गुणों में ही तो वो अपने स्वरूप को देखता है। कभी सुखी दुखी, सत्व गुण से युक्त होगा तो सुखी, रजोगुण से युक्त होगा तो दुखी, तमोगुण से युक्त होगा तो मूढ़,